गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज क्लास 8 के लिए शीर्षक घुमक्करी लेख के सेकंड भाग को वीडियो के द्वारा बताया जा रहा है। इसके लेखक हैं राहुल संकृतायन। राहुल संकृतायन यात्रा वृतांत के लेखक में से अद्वितीय हैं। राहुल संकृतायन ने अपने जीवनी में यात्रा वृतांत का जो वर्णन किया है वह अनेक लेखों और कहानियों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत है। लासा की ओर उनकी जो रचना है उसमें भी उन्होंने जो वर्णन किया है कष्ट का, कि यात्रा में क्या क्या कष्ट होता है, तब उससे लोग क्या सीखते हैं और समाज के सामने क्या प्रदर्शन करते हैं। इस घुमक्करी लेख में उन्होंने लिखा है कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी के घुमक्कर थे। वह आजीवन घूमते रहे। वह वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते हुए बाबापुरी में अपने शरीर को छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहायता का दावा करता है तो मैं तो उसे दम्भी कहूँगा। आजकल कुटिया में अपना आवास बना लेकर लोग अपने आप को महात्मा साबित करने की कोशिश करते हैं। घुमक्करी के लिए यह आवश्यक है कि उसे चिंताहीन होना चाहिए। उसने जो अपने जीवन का अध्ययन परिवार के साथ किया उसको यात्रा वृतांत के माध्यम से उसे भूलना ही पड़ता है। व्यक्ति घुमक्करी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। उन्होंने समझा है कि व्यक्ति के लिए अगर घुमक्कर बनके समाज को कुछ देना है, नई सीख देनी है, नई रास्ता दिखाना है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसमें कोई अप्रत्यक्षता की बात नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आँखों देखी बात को समाज के सामने रखा है। वस्तुतः उन्होंने लिखा है कि घुमक्करी में कभी कभी कड़वे अनुभव उनके रस को बढ़ा देता है। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि काली पृष्ठभूमि पर लोगों का चित्र जो है वह ज़्यादा निखार लाता है। जैसे उन्होंने तरुण और तरुणी को घुमक्कर का व्रत लेने का सीख दिया है। अगर इसका कोई विरोध करता है तो झूठ व्यर्थ समझा जाना चाहिए। उसके हित बंधन में कोई अगर बाधा उपस्थित होती है तो उसे द्विवांध समझना चाहिए। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे ही ढोंगी सरल और सच्चे पथ पर चलने वाले के लिए बाधा साबित होते हैं। राज्य और राजसी नेता अपना कानूनी रुकावट डालते हैं। हजारों बार हुए तजुर्बे की बात होती है। महानदी के बेग की तरह घुमक्कर की गति को रुकने वाला कोई नहीं होता है। यह राहुल संकृतायन अपने अध्ययन में बताया है। बात उस समय की थी जब भारत और नेपाल जाने की सीमा को रोक दिया गया था। लोग वहाँ साधारण तौर पर नहीं पहुंच सकते थे तो वे एक भिखारी के भेष में जाकर वहां का अध्ययन किया था। तो उन्होंने आँखों देखे बातों को इस पे ज़्यादा वर्णन करने की कोशिश की है। संक्षेप में वह यह बताना चाहते हैं कि घुमक्कर को बहुत कष्ट का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें धर्म की दीक्षा लेनी पड़ती है कि हम समाज को क्या दें। मैं अवश्य कहूँगा कि उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके माता अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने बेटे को इस मार्ग पर जाने से रोकते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर वह संसार में आया है तो पारिवारिक बंधन में बंधकर रहे, अपने सुख
परिवारों के साथ बिताए, लेकिन जो व्यक्ति में घुमक्कर की आदत होती है, जिसमें त्याग और तपस्या की साधना करने का व्रत होता है, उसे कौन रोक सकता है। राहुल संकृतायन ने अपने जीवन में यह बात लिखा है कि वैसे व्यक्तियों की परवाह नहीं करनी चाहिए, माता की आंसू बहाने की परवाह उन्हें नहीं होनी चाहिए, पिता के भय और उदासी की परवाह उन्हें नहीं होनी चाहिए, तथा अपने पत्नी के रोने धोने तथा तरुणी के लिए आंसू बहाने की परवाह वैसे व्यक्ति नहीं करते हैं। वह व्यक्ति में जज्बा होता है सिर्फ इस संसार में घूमने का। वह सोचते हैं कि जब हम मानव देश में आए हैं और संसार में मानव का जन्म बार बार नहीं होता है, वह मानव के रूप में एक बार आता है, तो क्यों नहीं मैं दुनिया को अपने कुछ कर दिखाने की कोशिश करूं। उन्होंने लिखा है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ कर रहे हो तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर जिंदगी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर इस जिंदगी में नौजवानी कहलाने का हक नहीं है। आखिर दुनिया में मानुष जन्म तो एक बार ही होता है। लेखक ने लिखा है कि वह मनुष्य की जीवनी जो होती है, वह जवानी लेकर एक बार आती है। उसमें साहस मनस्वी तरुण तरुणी को एक बार अवसर मिलता है कुछ कर दिखाने का। तो कुछ कर दिखाने का उन्होंने अपना अध्ययन लिखा है। व्यक्तियों को चाहे जो कुछ भी करना है, उसे जीवन में यह सोच लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न करें। भले हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी व्यक्ति अगर घुमक्कर का व्रत ले ले तो फिर यह संसार कैसे चलेगी। उन्होंने अपना अध्ययन दिया है इस मायने में, लेकिन अगर आप घुमक्कर नहीं बन सकते हैं तो कुछ तो करें। करने का मतलब यह कि समाज को कुछ दें, किसी न किसी रूप में। आप कोई शिक्षा के रूप में समाज को कुछ दे रहे हैं, कोई चिकित्सा के रूप में दे रहे हैं, कोई व्यवसाय के रूप में दे रहे हैं, कोई अपने तकनीकी माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन कुछ करो। राहुल संकृतायन का कहने का अर्थ यह है कि मानव जीवन धन्य है, हर जीवों से विवेकशील माना जाता है। किस मायने में? क्योंकि वह उसे कुछ कर दिखाने की क्षमता है। तो इस पाठ के माध्यम से जो आपको सीख दी जा रही है कि आप में जो हिम्मत है, जो साहस है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसे आप करें और अपने समाज परिवार को कृतार्थ करें अपने कार्य के द्वारा। मनुष्य जन्म को यूं ही ना गवा दें। कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति कुछ ना करता है, कुछ करने योग्य ना होता है, तब तो वह दूसरे पर आश्रित हो जाता है। उन्होंने बार बार इस पाठ में यह वर्णन किया है, तरुण, तरुण शब्द का अर्थ होता है जवान, व्यस्त, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, जिसमें एक दूसरे की तारने की क्षमता हो, सहयोग देने की क्षमता हो। तो अब आप इस पाठ में समझ गए होंगे कि लेखक के कहने का अर्थ यह है कि आप समाज को कहीं से घूमकर चलकर अपने अध्ययन के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा कुछ देने का कोशिश करें। इस पाठ में बार बार यह बताया गया है कि करने वालों को अनेक कष्ट का सामना करना पड़ता है, तब उसका आनंद उसके पास अपने द्वारा नहीं, दूसरों के द्वारा भी दी जाती है। समाज उसको याद रखता है। समाज तभी आपको याद रख सकता है जब आप कुछ करके दिखाएं। साहसी और मनस्वी तरुण भला अगर सोच ले तो क्या नहीं हो सकता है। पाठ में यह भी चर्चा आई है कि व्यक्ति अपने अदम्य उत्साह से जब कार्य करने को ठान लेता है तो उसे कोई भी कार्य कठिन नहीं लगता है। जिस तरह से कि सब लोग जानता है कि मिर्च का स्वाद कड़वा होता है,
लेकिन जो व्यक्ति कड़वेपन का स्वाद ले लेता है उसे स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को मिर्च खाने का स्वाद लग गया उसे वही कड़वापन अच्छा लगता है। कहने का अर्थ यह है कि जिसे कार्य की लगन लग गई है उसे कठिनाई या बाधाएं जो भी है उसको झेल करके कुछ पाना ही अच्छा लगता है। पाठ में जो घुमक्कड़ शब्द आया है इसको आप मजाक के तौर पर ना समझें, इसमें बहुत रहस्य छुपा है कि घूम घूम कर अपने मन को अपने मस्तिष्क को चिंताहीन बनाएं, चिंतनशील बना करके समाज को कुछ दें, आपसे जो हो सकता है वह कार्य करके समाज के सामने कुछ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। यह पाठ आज समाप्त हो गई है।